जब शिष्यस्ते हम शादिमान वाम प्रपन्नम, ये शिष्य भाव प्रकट हुआ तो भगवान ने अर्जुन जी को बोध दिया और बोध देके बोध संक्रमित किया। वो संक्रमित करने की जो पद्धति है, एक है शब्द, दूसरी है हस्त कृपा, तीसरी है नेत्र कृपा, चौथी है आलिंगन कृपा। अर्जुन को दिए योगेश्वर योगीराज भगवान कृष्ण ने एक चारी भी प्रयोग किए हैं ज्ञानेश्वर, शब्द कृपा प्रत्यक्ष ज्ञान दिया गीता निमित्त, हस्त कृपा हर बार उठाया है, आलिंगन कृपा हृदय हृदयार्थे एक धारे हृदय से तीर्दय धातरे द्वैत न मुड़िता के लिए अपन आय से अर्जुना मौरी बोलते हैं। मग सावरास कंकणो बाहु पसरोणी दक्षिणो अलिंगिराश्व शर्मो भक्तराजो, युद्ध के समय उसको आलिंगन देके अपना बोध संक्रमित किया है। लेकिन कब? विनवणे मना आगे ओ माय शादिमाम, ये बोलने के बाद वो प्रसन्न हो गए और बाहु पसरो दक्षिण, एक ही हाथ से आलिंगन होता है नहीं होता, हाथ दोनों चाहिए, लेकिन एक ही हाथ से क्यों किया? कारण इसका है कि जो उनका दूसरा हाथ है वाम हाथ, उस हाथ में वाक दौर है, घोड़े के दौर है, और छोटे तो वो लगाम छूटने के बाद स्वयं हो गए, तो एक ही हाथ से आलिंगन दिया, आलिंगन का प्रताप क्या हुआ? ये हृदय से तेरह दिन आते बोध संक्रमित करने की जो अनेक पद्धति बहुत पद्धति है। लेकिन कब? जब मना विनवणे आदि वो माए, तब योगीराज योगेश्वर कृष्ण ने वो बोध संक्रमित किया है। बोध संक्रमित करने के बाद भी दसवें अध्याय में मोहोयम विगतो मम, भगवान के देता है अर्जुन मुख की वाणी है, अभी मेरा मोह विगत हो गया, विगत होने वाला मोह वापिस आ सकता है। मराठी में दो वाक्य है, पड़ून जाने और जाड़ून गेने, किसी की अगर पत्नी भाग गई तो वापिस आ सकती है, लेकिन मरने के बाद उसको जलाया तो नहीं आ सकती। तो ये जो मोह है ये विगत हुआ है, विगत होने वाला कभी भी आ सकता है। तो वास्तविक दसवें अध्याय में गीता समारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ विगत हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। नष्ट होने के लिए ग्यारहवा विश्वरूप दर्शन हो गया, भक्ति योग हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग हुआ, ये आगे के योग होने के बाद आखिरी अध्याय में पूछा कि अर्जुन जी बोलिए क्या अवस्था है। फिर अर्जुन का जो स्टेटमेंट है वो ये है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद मयाच्युत गतोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। पहली दसवीं अध्याय में विगत हुआ है, आगे की जरूरत नहीं थी, फिर भी कुछ भी उपनिषद में नौ बार तत्वसी महारत्य को उपदेश है, एक बार होने से काम चलता था, लेकिन पुनः पुनः क्यों? अनादि संस्कार जो है ना वो संस्कार उमड़ते हैं, तो उमड़ने के वजह से एक ही कोई ऐसा साधक होता है कि दुकामणे कानी आई के लिए मात कुछ झला घात जीव पना, एक ही बार श्रवण मात्र से उद्धार होने वाले साधक बहुत कम है। फिर हमारे जैसे मूर्ख अति मूर्ख दगड़ इनके लिए विनवणे मना आगे भगवान योगेश्वर कृष्ण गुरु तत्व भूषित करते, महाजा विठोबाचा कैसा प्रेम भाव आपणचि देव होय गुरु, फिर पढ़िए देह भाव पुरवी वासना, भगवान आपका स्वरूप मुझे देखना है, कौन सा स्वरूप देखना है? सकल देखिए विश्वव्यापक स्वरूप मुझे देखना है। तो भगवान ग्यारहवें अध्याय में दिखाते हैं, बहुत से रूप दिखाए,
खेड़ों ने विष्णु पटारों को पटाची गई। जैसे कोई महिला अभी उत्सव है बिहार लोगों का केरल में ओनम, कोई दुकान में गई तो दुकान में जाने के बाद जो दिखाने वाला है उससे साक्षी भाव सिखाना है, सीखना है दुकानदार से। जब वो कोई साड़ी खरीदने के लिए महिला जाती है तो दुकानदार जो होता है विक्रेता उनके सामने कुछ प्रस्तुत करता है, जो पहली डाली जाती है वही पसंद होती है, फिर भी वो कहती अलग से लिखा, ये नहीं पसंद अलग से लिखा। जो विणकर होता है उसको भी पता नहीं चलता है, लेकिन वो देखती सिर्फ क्या ऐसी देखती है, आपके आगे कैसे देखती है इससे क्या पता चलता है, जाड़ा है भरना है या मसरा है, यही चलता है दूसरा कोई नहीं चलता। वो देखती है कितनी भी सारी उसको डालो इतना बड़ा देख होता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं रंग नहीं ये नहीं पसंद ये नहीं ये नहीं। वो दिखाने वाला विक्रेता वो गुरु बनाना चाहिए, उसको क्रोध नहीं आता। कुछ कुछ महिला तो इतना भी निकालती है पसंद नहीं छोड़ के दूसरे दुकान में चली जाती है, वो फिर भगवान कृष्ण परमात्मा विक्रेता बने। अर्जुन जैसे एक सारिता को विश्व रूप पटाची घड़ी नाना प्रकार के रूप उसको दिखाए, बहुधर्म बहुधर्म आदि, ये पसंद नहीं ये पसंद नहीं, अरे तुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए किरीटम गदनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम, ये चाहिए तो ये सब पैकअप कर दिया, आता जा पानी अस्ता व्यस्त है। अर्जुन मग बिहारा है ये नको, कब वो एक्सेप्ट कब नहीं किया उसने, सभी लोग काल हो उसके लोग अक्षय क्रोध होते फिर आप ये जब चला ना, भगवान की तीन विभूति है काल क्रेताम यमस्यमताम कालोस्मि लोकक्षेत्रो, इस तीनों का अर्थ एक नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज ने भिन्न भिन्न बताया, काल विभूति है काल क्रेताम यमस्यमताम कालोस्मि लोकक्षेत्रो। चिंतन करते हैं मौली, वो दर्शन भीतिग्रस्त हुआ, भीतिग्रस्त होने के बाद तू तो कहता है मुझे देखना है और दिखाया तो बोलता है मुझे नहीं, भगवान विक्रेते जी से सब पैकअप पैकअप, तुझे क्या चाहिए, पहली साड़ी चाहिए किरीट नंगरी नंग चाहिए, तो तू दो हाथ वाला मेरा सखा वो चाहिए, भगवान हो गए। लेकिन जो विश्व स्वरूप देखने की इच्छा अर्जुन जी की है वो इच्छा पूरी होने के जो कसौटी है वो दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि जब मिलती तो अधिक देखने होता है। अर्जुन जी कृपा प्राप्त हो गए उनको मिली, संजय जी को प्राप्त हुई या नहीं हुई, व्यास कृपा प्राप्त संजय बने तो उनको निरंजन पाने की दृष्टि हो मिली क्या नहीं मिली। ज्ञानेश्वर महाराज कहते संजय कृपा प्राप्त व्यास कृपा प्राप्त है वो भी सुखी हो गया, वो विश्व रूप दर्शन देखने वाले कौन कौन से पात्र है, चार पात्र है, एक अर्जुन, दूसरे संजय जी और तीसरे हनुमंतराय ध्वजस्तंभा और वानर जो मूर्तिमंत श्री शंकर सारथी सारक गणेश महाराज का, वो इन तीनों ने देखा, धृतराष्ट्र ने देखा नहीं लेकिन सुना, सुनने के बाद भी उसका उद्धार हुआ या नहीं, भणे मातारा मोहे नाशिला ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, इस बूढ़े को सठिया गया है, पूरा ज्ञान ज्ञानेश्वरी और गीता का सुनने के बाद भी वो प्रश्न पूछता है विजय किसका होगा, ज्यादा सैन्य मेरे दुर्योधन के पास है, बड़े बड़े योद्धा दुर्योधन के पास है, विजय किसका होगा, ये प्रश्न पूछने के बाद संजय द्विधा में स्थित है, क्योंकि भाकरी खाई है
धृतराष्ट्र वो सत्ताधीश है, सार्वभौम है, चतुर है बहुत धृतराष्ट्र। कभी अभी समय मिला तो ज्ञानेश्वरी में जो सात पात्र आ गए हैं, धृतराष्ट्र है, संजय विशेष पात्र, अर्जुन जी है, भगवान योगेश्वर कृष्ण जी है, हनुमंत राय है, आदि सात पात्र है गीता में। उसको ज्ञानेश्वर महाराज ने वो पात्र ऐसे चित्रित किए हैं, बाकी के टीकाकारों ने सिर्फ टीका की है, लेकिन अर्जुन का जो अंतकरण है कोमल, वो कोमल अंतकरण ज्ञानेश्वर महाराज ने विस्तार से बताया। वो पाप भीरु है, कागिरी के अंदर सेवी है, भिक्षा मांगता वली, ये उसका जो हृदय कोमलता है वो भी किया है, उसका क्षात्र तेज वही बताया है, बहुत सी चीज। तो धृतराष्ट्र मुक्त हुआ या नहीं, उसकी एक उपमा दिए रेड़े की, का महिषा का नुट्ठी पूरा। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ज्ञानेश्वरी में, कोई नदी को अगर पूरा आया तो उसमें जो रेड़ा बोलते हैं उसको, आपको समझता है, भैंस का प्राणनाथ, तो अगर वो रेड़ा उस पानी में तैरता हुआ बैठता है और पानी चला बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको बोलता है ज्ञानेश्वर महाराज। कैसे वैसी जिसकी बुद्धि है वो महातारा धृतराष्ट्र, तो ही अंधु अवसरे सुखिया झाला, 18वें अध्याय बोलते अवसरे, अवसरे इसका अर्थ उसके भाग्यवशात मरण के पूर्व जब गांधारी सर्पदंश से मर गई, वहां पर कथा आती है महाभारत में, और वो सब जो वन था उस वन को आग लगी, वनवा चल गया और उसमें वो मरा है। उसके शंबर पुत्र है, उसको पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं था, फिर वो मरा तो क्या हुआ? ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते अवसरे सुखिया जाला, उसने समाहित चित्त होकर आसन लगाकर पूरे गीता का तत्व ज्ञान मनन निधि जासन किया था, श्रवण किया था, वो वाया नहीं गया। श्रवण मात्र से उसका विवेक जागृत हुआ और विवेक जागृत होने के बाद वो सुखिया जाला, वो दृष्टि उसे श्रवण मात्र से प्राप्त हुई है, चतुर है वो, उसका भी पात्र सुंदर चित्रित किया है। मालूम कहते हैं ये दृष्टि देखने देने वाला, देखनिया दिखिचा दीप, वो दीप भगवान कृष्ण योगेश्वर है। वैसे मेरे सदगुरु नाथ है, क्यों सदगुरु तत्व और भगवान अलग नहीं है, तस्मिन सज्जने भेदाभाव। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तो कह रहे महाराज जी कहते हैं देवते संत नहीं प्रजा प्रतिमा। नाथ महाराज जी कहते हैं गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाचा कर विश्वास हो देवतया सा स्वयं संचिता जाची घरा, तो एक ही है वो सदगुरु तत्व। प्रसन्न होने के लिए विनवनी करनी चाहिए, विनवनी होने के बाद वो प्रसन्न होने के आप वो बोध देते, कुछ साधन देते हैं, साधन देने के बाद हम साधन सिद्ध करते हैं, साधन सिद्ध होने के बाद वो प्रचिति हमें आती है। शास्त्र की प्रचिति आई ठीक है, गुरु प्रचिति आई ठीक है, लेकिन आत्म प्रचिति आनी चाहिए। वो आत्म प्रचिति क्या है? चित्त की उद्विग्नता शांत होनी चाहिए, यानी समाधान मत छोड़ ले वो माए, समाधानी अवस्था है, समाहित चित्त होकर जब समत्व आता है तो समाधान प्राप्त होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उद्विग्न नहीं करती। तुकाराम महाराज जी का एक बच्चा और पत्नी जब मर गई अन्नगर से अकाल से, तो महाराज जी को पूछा क्या हुआ? अच्छा हुआ, बाहर मेरी मुक्त झाली देवे माया सोड़ विधि, और मेरे बरे झाले देवे माया विरहित कीले। जिसका चित्त समाधान अवस्था को प्राप्त हो उसकी उसी के ही अंतकरण से उद्गार प्रस्फुटित होते हैं। अगर हमारी पत्नी का सिर्फ सिर भी दुखा, आज आप आरती सत्संग को नहीं कुछ तो सिर तक बहुत है, आज पत्नी को नहीं आ सकता। समाधान, हमारा समाधान क्षणिक एक ही कोई घटना से बिगड़ता है, इतना बड़ा दुख हुआ फिर भी नहीं,
बरे झाले देवा निघाले दिवाळे बरे या दुष्काळे पीडा केली बरे झाले देवा पावलो अपमान समाधान अवस्था प्राप्त होने की जो लक्षण है ना वो लक्षण ये है मंबाजी व गोसावी जिन्होंने काटी से मारा फिर भी तुकाराम महाराज जी के उद्गार है बरे झाले देवा क्या हुआ